नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। पांच के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीच बैठक जारी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच होने वाली बैठक सीट बंटवारे के साथ दोनों दलों के बीच समन्वय बनाने के लिए भी अहम मानी जा रही है। पश्चिमी यूपी में मिलकर कैसे लड़ना है और सीटों में जातिगत समीकरणों का ध्यान कैसे रखना है ताकि जाट मुस्लिम समीकरण को बेहतरीन तालमेल के साथ बनाया जा सके, इस लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते हुए जनाधार को बचाने की चुनौती थी। किसान आंदोलन ने जयंत को मौका दिया। जयंत पिछले एक साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे भी उन्हें खूब सहानुभूति मिली। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट सिख और मुस्लिमों के लामबंदी की बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा सकती है और इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा भी उठाना चाहते हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ के 6 मंडल में 26 जिले हैं जहां 136 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर जाटों का खासा प्रभाव है और जाट ही निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। तो जयंत चौधरी की निगाह इन्हीं सीटों पर है और वो चाहते हैं कि इनमें से अधिकांश सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़े। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन्हीं सीटों पर आरएलडी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के संयोजक जयंत चौधरी के बीच में ये जो बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक भगेल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे और साथ ही रोहित अग्रवाल जी जो कि आरएलडी के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे कपीश श्रीवास्तव जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार चुनावी मोड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, जयंत चौधरी के साथ मुलाकात हो रही है, काफी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है, क्या वो ठोस रणनीति रहने वाली है जिसके तहत विधानसभा चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा गठजोड़ कर सके जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को पटखनी यहां पर दी जा सके और समाजवादी पार्टी की जो मजबूत स्थिति जिस तरीके से अभी देखने को मिल रही है उसे और ज्यादा मजबूत यहां पर किया जा सके? देखिए, जो आज हम लोग की मुलाकात है उसको आप इस आयाम से देखिए, बहुत ही सकारात्मक मुलाकात है और विधानसभा की जो तैयारी है हमारी वो हम लोग संयुक्त रूप से कैसे करेंगे। बात यहाँ तालमेल और सीटों के तालमेल की नहीं है ना सीटों के बंटवारे की है, वो सारी चीजें बहुत पहले से तय हैं और ऐन समय पे हम सब लोग घोषित भी कर देंगे। और हम लोग 403 सीटों पर ये मान के चल रहे हैं कि सभी एक दूसरे के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई कम लड़ रहा है कोई अधिक लड़ रहा है। और हम लोगों की जो नीति है वो बहुत स्पष्ट है कि हम लोग को जो फासिस्ट ताकत है उसको रोकना है प्रदेश में आने से, और यही हम लोग का मूल मंतव्य है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोग के अंदर जो तय हो रहा है वो भी इस बात को लेकर के हो रहा है कि कैसे प्रदेश के विकास को हम करेंगे, एक साझा हम घोषणा पत्र कैसे लेकर के आए जिस पर सभी लोग आत्ममंथन आत्मचिंतन कर रहे हैं, और उसी के अनुक्रम में भी इस बैठक को देखा जाना चाहिए क्योंकि अब हमारे घोषणा पत्र का लाने का भी समय हो रहा है और सबसे राय मशवरा करने के बाद ही समाजवादी पार्टी एक घोषणा पत्र अपना लेकर के आना चाहती है कि यद्यपि वो तो घोषणा पत्र कहने के लिए होगा लेकिन वो हमारा प्रतिज्ञा पत्र होगा, हम उसे लागू करेंगे अपने इन 5 वर्षों में। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि पश्चिमांचल के अंदर जिस तरीके से किसानों को क्षतिग्रस्त करने का काम हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे मोदी प्रियम साहब ने किया है वो तो अद्वितीय है। और सबसे बड़ी दुख की बात इस बात की है कि आज हमारे देश के किसानों से प्रधानमंत्री जी को खतरा हो गया। तो इस देश को सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि जो किसान हमारा अन्नपूर्णा होता है, हमारा पेट पालक होता है, आज उस पेट पालक से किसी को डर लग रहा है। तो वाकई आत्मनिरीक्षण का समय आ गया, हम सारे लोग बैठ करके आत्ममंथन आत्मचिंतन करेंगे और हमारे किसान भी देश के करेंगे कि जब इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाए कि अपने ही देश के किसानों से किसी को डर लगने लगे, वो भी पदेन सदस्य को, तो बहुत दुख की स्थिति होती है।
तो ऐसी स्थिति में हम जरूर ये कहेंगे कि हमारा किसान एक निश्चित तौर पे एक समूचा सहित और सही फैसला लेगा कि वो अपने 5 सालों के लिए कैसी सरकार चुनना चाहता है जो किसानों से डरे या किसानों के लिए काम करे। जी कपिल जी, तो कपिल जी, निश्चित रूप से अपने हाँ। किसानों के साथ संवेदना भी रखते हैं जिनको 776 किसानों जी, कपिल जी आप बहुत ही मजबूत प्रवक्ता हैं, इससे हम जी, किसी को हमें कोई इसमें कोई दो राय यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चर्चा को किसी और ही एंगल की तरफ ले जाने की यहाँ पर कोशिश की है, जिस तरीके से हम उस तरफ नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। हम जो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ इस मुलाकात के ऊपर ये बात है और हम चाहेंगे कि उसी मुलाकात पर ये बात रहे। ठीक है, अभी RLD प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित अग्रवाल जी, उनका हम रुख करेंगे। रोहित जी, जिस तरीके से आज की मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जाट समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद में यहां पर जयंत चौधरी हमेशा से नज़र आते रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और वहां पर जाटों का जिस तरीके का वर्चस्व है उसको लेकर क्या ठोस वो रणनीति रहने वाली है जिसके तहत आज ये मुलाकात हो रही है? राजनीति करते आए हैं और किसानों के मुद्दे पे हमेशा खड़े दिखे हैं आपको। राष्ट्रीय लोकदल अपना संकल्प पत्र पहले ही जारी कर चुका है और आज की जो मुलाकात है वो जनता को कैसे हम राहत दिलाएं इस झूठों की सरकार से, इन जुमलेबाजों से। आज देख रहे हैं आप किस तरीके से युवा बेरोजगार हो रहा है पूरी तरीके से और आंदोलन कर रहा है और उसको ये मारने पीटने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाठी चलाने का काम करते हैं। किस तरीके से साल भर तक किसान बैठा रहा बॉर्डर के ऊपर और इन्होंने उससे बात तक करना उचित नहीं समझा। उसके बाद जब इनके ऊपर दबाव बना, जब चुनाव का दबाव दिखा इनको, तो इन्होंने अपने कृषि कानूनों को वापस लिया जो ये अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ला रहे थे। तो आज की जो बैठक हो रही है वो हमारे संकल्प पत्र के ऊपर चर्चा हो रही है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, और ये चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जनता को राहत दी जाए और किस तरीके से जनता के सरोकार के लिए हमको सरकार बनने के बाद काम करना है। और ये झूठों की सरकार है। आप देखिए, ये दिन में रात में तो लॉकडाउन लगाते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, और दिन में क्या करते हैं, दिन में जो है साहब बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और इनके झूठ तंत्र और प्रचार तंत्र से जनता को बचाना है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और मन बना चुकी है कि अब इनको दोबारा सरकार में नहीं आने देना है, लेकिन ये निरंतर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता के सामने झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। तो आज ये जो मुलाकात हो रही है दोनों राष्ट्रीय नेताओं में, ये जनता के सरोकार के लिए, जनता को राहत देने के लिए और जनता के मुद्दों पर बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किस तरीके से जनता को राहत दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को 10 साल पीछे ढकेलने का काम किया है। इन्होंने पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे बता दें कि एक भी योजना बता दें जिसका शिलान्यास इन्होंने किया और उसके बाद उसका उद्घाटन इन्होंने किया हो। इन्होंने पिछली सरकारों की योजनाओं का उद्घाटन किया और नई योजनाओं का सिर्फ फीता काटने का काम किया चुनाव को देखते हुए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इन्होंने वादा किया था कि 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे, पर इन्होंने उस वादे को भी पूरा ना करने का काम किया। आज भी गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपए बकाया है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है जनता के सामने, उसको तोड़ने के लिए ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है उन मुद्दों को साझा तौर पे जनता के सामने रखने के लिए जो हमने अपने संकल्प पत्र में पहले ही हम आपके सामने रख चुके हैं। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार किस तरीके से दिया जाएगा, उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए ये मुलाकात हो रही है। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किस तरीके से सुनिश्चित कराया जाएगा, इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए ये मुलाकात हो रही है। चलिए ठीक है, दीपक बघेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करेंगे। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? इससे पहले भी कई जनसभाओं में हमने देखा है कि RLD और समाजवादी पार्टी के दोनों दिग्गज जो है, अखिलेश यादव हों या फिर जयंत चौधरी हों, दोनों कई जनसभाओं में एक साथ दिखाई दिए, कई बार जनता के बीच वो गए हैं, अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जनता के बीच में अपनी पैड बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और अब जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, चुनाव बेहद नजदीक है, और कैसे देखते हैं इस मुलाकात को आप? धन्यवाद साहिल जी। अभी मैं साथी प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक दल को सुन रहा था और उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें कही और बहुत घुमा घुमा के झूठ को किस प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों के साथ प्रो कर परोस कर जनता के सामने रख रहे हैं। परंतु मैं ये नहीं मालूम कि आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है और समझदार है, वो आपके सभी झूठों को जानता है। आप जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल और बसपा का और सपा का गठबंधन हुआ 2019 में हुआ, बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग बताई गई,
और सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम क्या आया, ये बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया राष्ट्रीय लोक दल का। ये जिन किसानों के नाम पर बात करते हैं, जिन गन्ना किसानों के नाम पर बात करते हैं, आपको ध्यान नहीं है। मैं याद दिला देना चाहता हूँ प्रवक्ता महोदय, 2000 समाजवादी पार्टी के अंदर 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया और वो भारतीय जनता पार्टी ने आके खुलवाई गई। ये चीनी मिलें बंद हुई आपकी सरकार से लाते हो आप ये फर्जी डेटा, जिन गन्ना के कहां से लाते हो इस तरीके के डेटा आप लाते कहां से? अरे पहले सुन लीजिए, आपको हंसी नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है जनता के सामने झूठ बोलते हुए? अरे आपको शर्म नहीं आती है जनता के सामने जब आप झूठ बोलते हो? देखिए आपको शर्म नहीं आती है? 14 दिन पहले गन्ना किसानों को काट करने का वादा किया, चर्चा कर रहे हैं आपके पास भी मेंबर रोहित जी भुगतान किया कि नहीं किया? रोहित जी देखिए आपको पूरा समय दिया गया था, दीपक जी को बात पूरी करने दीजिए, झूठ नहीं पर उसने देंगे। इनको बताना पड़ेगा कि गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान नहीं किया इन्होंने, इनको बताना पड़ेगा किस तरीके से युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी उस पर लाठी चला रही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रोहित जी, देखिए ना आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है ना ही मैं दीपक जी को सुन पा रहा हूं। दीपक बघेल जी आप अपनी बात रख रहे थे यहाँ पर, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है, सीटों के समीकरण को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक खास रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मजबूती यहाँ पर मिलेगी, उस मुलाकात के कई तरह के मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जी साहिल जी, जिस प्रकार से आज ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन तैयार हो रहा है, और ये जो आज योजनाएं चल रही है वो सत्ता की मलाई खाने की योजनाएं चल रही है। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया था, और किस प्रकार का गठबंधन किया था, बसपा सपा और रालोद ने मिलकर जो गठबंधन किया, उसके बाद भी इन लोगों का क्या हश्र हुआ पूरी प्रदेश की जनता ने देखा, ये कुछ भी नहीं पा पाए, और हम उस समय पे भी 50% से ज्यादा वोट पाए थे। इन्होंने उस समय पे भी बोला था बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है। आज अखिलेश यादव हर किसी को अपनी साइकिल पर बिठाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के सत्ता के शिखर तक पहुंच जाए, परंतु इनको मालूम नहीं साइकिल पर ज्यादा लोग बिठाने से साइकिल पंचर ही होती है। चाहे इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चाहे बसपा के साथ गठबंधन किया, ये हर बार फेल रहे हैं। अब जिन किसानों के ऊपर बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय लोकदल वाले भूल जाते हैं कि जिन किसानों के हित के लिए बात करें तो मुजफ्फरनगर का दंगा और कैराना का पलायन ये भी समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ। तो आज ये गठबंधन करने जा रहे हैं आतताइयों के साथ में, गुंडा राज के साथ में, माफियाओं के साथ में और भूमाफियाओं के साथ में। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो कैरेक्टर है आज पूरे प्रदेश की जनता जानती है, और उन्हीं के साथ ये गठबंधन करने जा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने नहीं जा रहे हैं साहिल जी, ये प्रदेश की जनता को किस प्रकार से लूटा जाए, सत्ता पर पहुंचकर उनको लूटने का प्रयास करने जा रहे हैं। ये पूर्व की इनकी योजनाएं जितनी भी सारी हैं, उन सब में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार को पता होने के बाद भी ये आज ऐसा कर रहे हैं, और वहां पर भी ये तुष्टीकरण की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसको आज सेट कर रहे हैं। आज वहां पर एक आंकड़ा बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से जाटों को और मुसलमानों को मिला के हम सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, परंतु आज प्रदेश की जनता जानती है आपकी सोशल इंजीनियरिंग प्रदेश की जनता के सामने काम नहीं आएगी। ठीक है कबीर जी, फाइनल कमेंट्स, आपके समय बहुत कम है। देखिए फाइनल कमेंट में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यही करना है भारतीय जनता पार्टी को। निषाद पार्टी और अपना दल से संबंध बनाए हुए हैं, उनसे सोशल इंजीनियरिंग करके चल रहे हैं, और उस विचारधारा की पार्टी से जो भगवान राम के पितृत्व पर सवाल उठा के माता कौशल्या के कोख को गाली देने का काम करता है, तो ये लोग तो भगवान राम को गाली देने वाले लोग के साथ हो गए। ये रहे राम के सत्ता की मलाई चाटने के लिए भगवान राम को गाली देने वालों के साथ ये जाके खड़े हैं और हम लोगों को बता रहे हैं दूसरी तरफ। अरे सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये तो जाकर के पीडीपी जैसे आतंकवादी दलों से गठबंधन कर लेते हैं और 8,500 मुकदमे आतंकवादियों पर उठा लेते हैं और पुलवामा अटैक करवा के 150 सैनिक शहीद कर देते हैं और उसकी चार्जशीट आज भी नहीं आती है और राष्ट्रवाद के पीछे। ठीक है कपीर जी दीपक जी शांत रोहित जी, 30 सेकंड है आपके पास। चीनी मिल रहे हैं वो रोहित जी में कहां लगी हुई है, फाइनल कमेंट्स आपके, इनको मुंह से बक देना पहले चुप तो कराइए इन्हें भैया। ठीक है कपीर जी मैं क्या करूंगा, जितना देखिए समय कम है आपको पता ही है। जरा नाम बता दो आप। ठीक है मैं जान जाऊंगा आपको। ठीक है कपीर जी, रोहित जी अपनी बात रख दीजिए 30 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी के इसी झूठ तंत्र को तोड़ने के लिए
देखिए भारतीय जनता पार्टी के इसी झूठ तंत्र को तोड़ने के लिए ये गठबंधन हुआ है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला गए। इस गठबंधन के से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को पता है उसका सूखला साफ होने जा रहा है। ये किस तरीके से इन्होंने युवाओं से वादा किया था 70 लाख रोजगार देने का और 4.5 लाख रोजगार के पोस्टर लगा के ये अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। देश की जनता देख चुकी है किस तरीके से किसानों का अपमान किया, युवाओं का अपमान किया, इन्होंने व्यापारियों का अपमान किया। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है और ये बात करते हैं माफिया राज की। आप देखिए किस तरीके से माफिया आज क्रिकेट खेल रहे हैं और जो इनामी माफिया है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है उनको। और ये बात करते हैं माफिया राज की, ये अभी पीछे से क्या चिल्ला रहे हैं, इनकी बौखलाहट आप देखिए, मुंह पे दिख रही है इनकी बौखलाहट। रोहित जी, दीपक जी चिल्लाए हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है रोहित जी, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के कई तरह के कयास यहां पर निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे को लेकर भी किसी तरह की मजबूत रणनीति यहां पर बनाई जा सकती है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इस कदर बौखला गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कोई रणनीति यहां पर बनाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को और उनके विकास की जो राह है उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान यहां पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये मुलाकात क्या रंग लेकर आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।